हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है NCERT वॉल्यूम 2, जिसमें कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे। और फर्स्ट वीडियो में जो लेक्चर 1 में हम स्टेप बाय स्टेप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 2 भी कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें कि लेक्चर 1 में हम लोगों ने जो है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक डिस्कस किए थे। और बताया गया था कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप उस सवाल को लिख सकते हैं 1 से लेकर 20 तक, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग जो 20 के बाद मैंने 21 और 22 से दो ऑब्जेक्टिव है पहले कर लेते हैं। इसके जस्ट बाद आपको जो है कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 7.2 का दिया जाएगा। और एक चीज़ बोले थे कि जो भी आपका फॉर्मूला है एटलीस्ट आप उसको जो है अपने से रिविजन करते रहिए, क्योंकि हर एक चीज़ को लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन लगेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि हम लोग दो क्वेश्चंस बच गया था, तो ये हम जो है लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 NCERT का वॉल्यूम जो है हम लोग 2 स्टार्ट किए हैं। और जो हम लोग का टारगेट है 1 के लगभग, हम कोशिश करेंगे बहुत कम टाइम में जो है आपको कंप्लीट कर दें, 10 से 15 वीडियो में टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वॉल्यूम 2 क्वेश्चंस नंबर जो है 21 से 20 तक तो हो चुका था, तो 21 से शुरू कर रहे हैं। बोल इसमें क्या रहा है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स माइनस 1 बटे रूट अंडर एक्स और इंटू कितना है तो dx है। हम बोले थे कि इसको जनरली हम लोग इंडिविजुअली सेपरेट अगर करते हैं, तो अगर इंडिविजुअली हम सेपरेट करेंगे तो पहले लिखेंगे क्या चीज़ का इंटीग्रेशन होगा। तो देखिए इसको अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स डी एक्स और माइनस डी एक्स बटे रूट अंडर क्या होगा एक्स। तो ये मेरा जो है लेक्चर नंबर कितना है 1 हो गया था, तो लेक्चर 2 होगा। चलिए देखिए, तो हम लोग रूट एक्स को अगर थोड़ा सा तोड़ेंगे, कल भी बताए थे कि एक्स का एक्स पे पावर क्या हो जाएगा हाफ इंटू डी एक्स माइनस, क्योंकि डी एक्स बटे रूट एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो एक्स पे पावर हाफ का एक पावर हम जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2, चूँकि हाफ प्लस 1 और नीचे भी हो जाएगा 3/2 माइनस 2 और रूट अंडर डी एक्स बटे रूट एक्स का क्या होता है 2√x प्लस सी। थोड़ा सा और अगर इसको हम सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 एक्स पे पावर 3/2 और माइनस 2 रूट एक्स का मतलब क्या होता है हाफ और प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग का अगर ऑप्शंस को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा सी नंबर। और लास्ट जो है 22 नंबर सवाल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि क्वेश्चंस में बोल रहा है क्या कि यदि d बटे dx और बगल में लिख दिया क्या चीज़, तो fx इज इक्वल दिया है कितना, तो 4x क्यू अब माइनस 3/x पे पावर 4। और क्वेश्चंस में क्या करता है कि यदि देन f2 इज इक्वल टू कितना हो 0 हो, तो हम लोग को बोलता है कि फाइंड द fx कितना होगा, fx इक्वल टू व्हाट। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो d बटे कितना है dx, तो हम लिख सकते हैं d ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 4x³ माइनस 3, एक्स पे पावर 4 ऊपर गया तो माइनस 4, और इस dx को हम लोग क्या करते हैं इस साइड लिखते थे, क्योंकि बताए गए थे कि जब तक dx नहीं लगेगा तब तक इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर सकते। अब इंटीग्रेशन लिखते हैं, तो इसको d और ये कैंसिल हो गया, तो बचा मेरे पास क्या fx और प्लस इंटीग्रेशन का सिंबल खत्म, तो प्लस c इज इक्वल टू या सॉरी fx उधर लिख देंगे 4। बताइएगा एक्स पे पावर क्यू का क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर 4/4 एक पावर जुड़ जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स पे पावर माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3, फिर वही नीचे में माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3, अब प्लस क्या हो जाएगा सी, तो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, इट मीन्स हम लिख सकते हैं एक्स पे पावर 4 माइनस माइनस प्लस 1 बटे नीचे में कितना हो जाएगा एक्स पे पावर क्यूब प्लस सी, और इस जगह हम लोग क्या लिखेंगे fx। इस चीज़ को हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से मेरे पास दिया हुआ है क्या कि f2 इक्वल टू 0, तो f2 इज इक्वल टू क्या है 0, ये चीज़ क्वेश्चन में गिवेन है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो मतलब क्या होगा कि 2/4 प्लस 1/2³ प्लस सी इज इक्वल टू f2 का मान कितना है 0, जब x के जगह 2 रखते हैं तो 2/4 तो 16 हो जाएगा,
वन बटे एट हो जाएगा और प्लस सी बराबर जीरो, देयर फोर सी इक्वल टू हो जाएगा 16 गुना आठ करेंगे 128 प्लस एक 129 बटे आठ, तो इधर ज्ञात कितना बचा माइनस 128 बटे माइनस सॉरी 129 बटे कितना हो गया 8। अब इसका मान क्या करते हैं इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं, मेरे पास हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स क्यू अब माइनस 129 बटे 8, ये दिस वॉज रिक्वायर्ड ENS। तो आप ये रखिए कि कंटिन्यू जो है हम लोग का वीडियो आते रहेगा। 7.1 आया कंप्लीट हो गया, आप 7.2 आगे चलते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट लेने के बाद 7.3 इस तरह से टू भी कंटिन्यू आते रहेगा। ये वीडियो हम जो है प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वे में लेक्चर वाइज लिख देंगे जो कि आगे आपको परेशानी ना हो। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्या चीज़ 7.2। अब देखिए हम चूंकि अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का जनरली हम लोग जो है इसका जो ओरिजिनली है अभी तो हम लोग जनरल मेथड पर हैं, इसका मेन जो होता है वो चार प्रकार का मेथड्स होता है। एक होता है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो उसके फॉर्मूला को हम रिप्लेस करके बनाएंगे। एक सेकेंड नंबर है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, इसमें क्या होता है कि कुछ वैल्यू को हम लोग को पुट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस के अनुसार। थर्ड में है क्या मेथड बाय पार्ट्स के द्वारा, और फोर्थ में है क्या बाय पार्शियली फ्रैक्शन। ये चार मेथड जनरली है, इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग आगे की ओर वर्क करेंगे। ये चार मेथड्स के लिए हम लोग आगे वर्क कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 में चलते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक्स कॉन्सेप्ट हम दे देते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में क्या होता है और हम लोग किस तरह से जो है उसको आगे की ओर बढ़ाएंगे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए ध्यान से देखिएगा मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में क्या हुआ और कौन कौन सा प्रॉब्लम आता है इसमें, तो जनरली हम लोग देख रहे हैं। और एक चीज़ कह रहे थे कि वीडियो को जरूर है कि शेयर कर दीजिएगा ताकि और सभी को बेनिफिट मिले। देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या चीज, तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तब 7.2 शुरू करेंगे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए इसका क्या नियम है ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका कि डायरेक्ट जो है इंटीग्रेशन संभव नहीं है। इट मीन्स कि अगर हम लोग लिखते हैं सपोज कीजिए कि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी एक्स, चूँकि स्क्वायर में दो का ही इंटीग्रेशन पॉसिबल है। एक हम अगर फॉर्मूला ध्यान में होगा तो एक होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होता है जनरली कितना, तो टेन एक्स प्लस सी, और सेकेंड केसेस में सेक के बाद होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका क्या होता है तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये दो है जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर इसके अलावा कोई तीसरा आता है उसको कहीं ना कहीं फॉर्मूला पे तोड़ते हैं। तो जैसे कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसका हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर का 1 प्लस कॉस 2x बटे 2 और इनटू क्या होता है dx। अगर यही चीज रहता हम लोग के पास साइन स्क्वायर एक्स, तो ये होता है 1 माइनस कॉस 2x बटे 2, ये होता है बगल में हम लिख देते हैं, अगर कॉस स्क्वायर एक्स रहे तो ये होता है 1 प्लस कॉस 2x बटे 2 आएगा, अगर यही चीज़ रहे टेन स्क्वायर एक्स का तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कॉट स्क्वायर एक्स का होगा तो ये होगा क्या चीज़, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो कल एक सवाल टेन स्क्वायर पे था, अगर ये चार का फॉर्मेशन आता है तो हम लोग फॉर्मूला पे ब्रक करेंगे, अगर चार के बाद ये दो का रेस्ट आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं। देखिए 1 प्लस कॉस 2x किए, अब देखिए 1 बटे 2 को बाहर किए तो dx को 1 से गुना किए तो कितना हो जाएगा dx, बीच में प्लस फिर क्या लिखेंगे कॉस 2x इंटू dx, तो हम लिख सकते हैं 1 बटे 2 dx का क्या होता है x, और cos का हम लोग जानते हैं कि साइन 2x और x के साथ जो कोफिशेंट है वो डिवाइडेड हो जाता है इंटीग्रेशन में, प्लस कितना हो गया c। ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। एक प्रॉब्लम और करते हैं कि अगर सवाल में दिया रहे कितना कि साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, देखिए ये सब सब्स्टिट्यूशंस मेथड से भी बना सकते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। जैसे साइन क्यूब है तो हम लोग जानते हैं कि साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस
साइन 3x डिवाइडेड बाय क्या होता है 4, और यही चीज़ अगर कॉस क्यू एक्स का रहे तो इसका होता है 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x अब बटे कितना होता है 4। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 इंटू dx। तो हम लोग 3 बटे 4 को बाहर करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स डी एक्स माइनस 1 बटे 4 बाहर किए इसको हम लिखेंगे साइन 3x इंटू dx। तो 3 बटे 4 तो बाहर हो गया, साइन का हम लोग जानते हैं क्या होता है माइनस कॉस एक्स, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बटे कॉस, साइन का होता है माइनस कॉस 3x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स के साथ 3 हो जाएगा, प्लस क्या है सी। यही जनरली ट्रांसफॉर्मेशन है और जैसे जैसे प्रॉब्लम आते जाएगा हम लोग जो है उस पर डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस की ओर बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 7.2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस मेथड्स, इसमें क्या होता है कि हमको पुट करना पड़ता है, इसमें पुट क्या करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है, कोई इंटीग्रेशन सपोज कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि अगर आपके पास दिया है साइन एक्स डी एक्स और नीचे में क्या लिख दिया कि 1 प्लस कॉस एक्स, इसमें देखिए रूल क्या है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस में, अगर रहे एंगल 1, रूट रहे, पावर रहे या न कुछ तो डिनोमिनेटर हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार उसी चीज़ को क्या किया जाता है पुट किया जाता है। अब देखिए साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, तो देखिए ना तो रूट है ना तो पावर है, तो बीच में एंगल का मतलब रूट के अंदर रहता है वो अभी बताएंगे, 1 प्लस कॉस एक्स को तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम ऐसा सिचुएशन लेंगे जो ऊपर में ये फॉर्मेट आ जाए, तो 1 प्लस हम लोग क्या करते हैं कॉस एक्स को क्या मानते हैं जेड, तो 1 का जानते हैं 0, कॉस का क्या होता है तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू इधर गया क्या हो गया माइनस डी जेड। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे माइनस डी जेड, नीचे में क्या हो जाएगा जेड, दैट इज कॉल माइनस लॉग मॉड ऑफ जेड आप प्लस सी, तो इम्प्लाइज माइनस लॉग मॉड ऑफ जेड का मतलब क्या हो जेड का मान क्या है 1 प्लस कॉस एक्स आप प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए एक्सरसाइज जो 7.2 है इसमें कुछ सवाल हम लोग आज कोशिश करेंगे कि 10 तो मिनिमम बताया ही जाए। तो एक्सरसाइज 7.2 मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस है, तो पहला सवाल क्या बोलता है इसमें कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, हम क्या बोले कि ऐसे चीज़ को मानना है जो ऊपर वाला फॉर्मेट आ जाए, तो अगर हम लोग इस चीज़ को पुट करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड, तो 1 का हम लोग जानते हैं 0, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x dx बराबर कितना हो गया dz। अब देखिए 2x dx सिचुएशन के अकॉर्डिंग मिल गया, ऊपर में क्या लिखेंगे 2x dx को dz, नीचे में क्या होगा z, दिस इम्प्लाइज क्या लिखेंगे log mod of z आप प्लस c, तो log mod of z के जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c आ गया। इस तरह से फर्स्ट क्लियर हो गया। अब देखिए दो नंबर सवाल क्या बोल रहा है, दो में मेरा बोल रहा है क्या कि log, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या लिखा है log x का होल स्क्वायर अब बटे एक्स इंटू डी, अभी हम क्या बोले थे एंगल रहे रूट रहे पावर रहे, तो पावर क्या है log x का होल स्क्वायर, तो इसी चीज़ को हम मान लेते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग log x बराबर जेड, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बटे एक्स डी एक्स बराबर डी जेड, तो देखिए log x के जगह क्या माने जेड, तो जेड स्क्वायर और डी एक्स बटे एक्स को क्या लिखेंगे डी जेड, जेड स्क्वायर का क्या होगा जेड क्यू बटे 3 और प्लस सी, जेड का मान कितना है तो log x का ये रखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा log x का होल क्यू बटे 3 और प्लस सी। तो दो नंबर तक क्लियर हुआ, वीडियो को एकदम से रिलैक्स होकर देखना है, कहीं कोई हड़बड़ाहट करके मत देखिएगा, और हमको लगता है कि जहाँ तक आराम से आपको एक एक सिचुएशन जो है समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चंस नंबर हम लोग चलते हैं, दो हो गया क्लियर हो गया, अब हम लोग क्वेश्चंस 3 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, थर्ड में जब चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चंस में, देखिएगा समझिएगा इसको, थर्ड में क्या बोल रहा है कि 1 बाय, बड़ा अच्छा सवाल है, 1 बटे एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स,
थोड़ा सा हम लोग को चेंज भी करना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, ऊपर में क्या है dx, नीचे में हम दोनों में देखिए कॉमन क्या लेंगे, x लेंगे कॉमन, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा log x। अब देखिए x के बगल में ऐसा हम लोग को पुट करना है सिचुएशन के अनुसार, अगर 1 प्लस log x को क्या बोलेंगे z, तो 1 का 0 log x का क्या हो जाएगा 1 बटे x, dx बराबर क्या हो गया dz। अब देखिए dx बटे x को हम लोग ऊपर में क्या लिखेंगे dz, dx और इसको टोटल को क्या माने हैं z, तो इसको क्या लिखेंगे log mod of z plus c, implies it log mod of z के जगह क्या लिखेंगे, तो 1 plus log x plus कितना हो जाएगा c। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और हम लोग का टारगेट है 10 तक तो एटलीस्ट बनाएंगे हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, साइन x इंटू साइन, और बगल में क्या लिखे हैं cos x इंटू डी। अभी जस्ट हम बोले रूट रहे, पावर रहे, एंगल रहे, देखिए साइन के जस्ट बगल में क्या है cos x एंगल है, तो हम इसी चीज़ को मान लेते हैं z, cos x बराबर z, हर एक सवाल में पुट या लेट कर सकते हैं। cos का मतलब क्या लिखेंगे, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x dx बराबर dz, इम्प्लाइज इट साइन x dx बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस dz। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, से थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर लेते हैं, तो साइन है बगल में क्या लिखेंगे cos x, इधर हम लोग क्या लिखेंगे तो साइन x dx, तो इम्प्लाइज साइन cos x के जगह आपने माना है z, साइन x dx के जगह क्या हो जाएगा माइनस dz, माइनस आगे कर लेते हैं तो ये हम लोग लिख सकते हैं साइन z dz, तो माइनस माइनस प्लस, साइन का क्या होता है माइनस, तो माइनस प्लस, cos z plus c, इम्प्लाइज इट cos z के जगह क्या लिखेंगे cos x plus c। चलिए चार नंबर क्वेश्चन हो गया, अब देखिए हम लोग कितना नंबर पाँच की ओर बढ़ते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। साइन, अब देखिए इसमें हम लोग क्या कहते हैं, किसी एक को मान सकते हैं, साइन को भी मान सकते हैं, कॉस को भी, अगर साइन को मानते हैं तो ये ऊपर वाला कॉस हो जाएगा, मैंने सामने वाला कॉस हो जाएगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं इसी चीज़ को लेट या पुट कर लेते हैं कि साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जेड, साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, और एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो मल्टीपल होता है डी एक्स बराबर डी जेड, देयर फोर कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी जेड बटे ए। अब आते हैं पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, देखिए कितना है, साइन एक्स को हम लोग नॉर्म माना है जेड, और कॉस एक्स डी एक्स को क्या माने हैं तो डी जेड बटे ए, तो वन बटे ए बाहर, जेड का क्या होगा जेड स्क्वायर बटे टू प्लस सी, देयर फोर वन बटे कितना होगा टू ए, और जेड के जगह हम लोगों ने क्या माना है तो साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर कितना होगा ए एक्स प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा सी, तो ये हम लोग का क्या हो गया क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग को आगे बढ़ना है, क्वेश्चन नंबर है छः की ओर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर छः क्या बोल रहा है कि रूट अंडर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसमें पुट नहीं करना था, इसको जनरली हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी पे पावर क्या लिखेंगे हाफ इंटू डी एक्स, तो एक्स पे पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है ए एक्स प्लस बी पे पावर हाफ जो वन करेंगे तो थ्री बाय टू बटे थ्री बाय टू, और एक्स के साथ कितना कोफिशियंट है ए, और प्लस कितना हो गया सी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग छः क्लियर कर लिए, और हम लोग को जो है चार क्वेश्चन और करना है, बस 10 तक ही लेके चलते हैं, कुछ थोड़ा सा बेसिक्स भी होगा, ज़्यादा प्रेशर से भी नहीं पढ़ना है, एकदम से रिलैक्स होकर पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए कौन छः के बाद क्वेश्चन नंबर सात की ओर हम लोग चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इसको देखना है दो तीन बार। देखिए क्वेश्चन नंबर सात क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट अंडर x प्लस टू इंटू डी एक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए हम अभी क्या बोले रूट रहे तो रूट तो मिल गया, तो इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं z मान लेते हैं, x प्लस टू इक्वल टू जेड, लेट या पुट दोनों कर सकते हैं। बोले x का तो हो जाएगा 1, कॉन्स्टेंट का 0 इंटू डी, चूंकि ये डी एक्स लिखते हैं डी जेड बटे डी एक्स होता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, चूंकि डी जेड बटे डी एक्स होगा ये, तो अब देखिए ऊपर में इससे हम x का मान निकाल सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा z माइनस टू। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, x के जगह क्या लिखेंगे z माइनस टू, इसके जगह क्या लिखेंगे रूट अंडर z, और डी एक्स के जगह डी जेड, तो इसको इंडिविजुअली अगर गुना करते हैं तो z इंटू कितना होगा रूट जेड डी जेड, माइनस टू बाहर
रूट जेड और डी जेड, इसको हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट तो पावर एक है तो जेड इंटू जेड पे पावर हाफ डी जेड, माइनस टू बाहर तो जेड पे पावर हाफ इंटू डी जेड, ई पावर एक हो गया तो ये कितना हो जाएगा जेड पे पावर थ्री बाय टू, फिर इंटीग्रेशन करेंगे थ्री बाय टू प्लस वन तो फाइव बाय टू, फाइव बाय टू माइनस टू जेड पे पावर थ्री बाय टू, थ्री बाय टू प्लस क्या होगा सी, जेड का मान आप पुट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे दोनों को पावर को जोड़ के किए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सात क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर देखिए आठ जो एक जैसा है उसको हम स्किप करेंगे। आठ में क्या है x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू डी, इस चीज को आप जेड मान लीजिएगा। देखिएगा थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं कि वन प्लस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड, तो वन का जीरो दो दुना चार एक्स, डी एक्स बराबर कितना होगा डी जेड, तो हम लिख सकते हैं एक्स डी एक्स बराबर कितना हुआ डी जेड बटे फोर, तो इसका वैल्यू हम रखेंगे ये कितना हो जाएगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा जेड और एक्स डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा डी जेड बटे फोर, तो एक बटे चार को बाहर करेंगे जेड पे पावर कितना हो जाएगा हाफ इंटू डी जेड इम्प्लाइज इट, तो जेड पे पावर हाफ का मतलब जोड़ेंगे तो क्या होगा थ्री बाय टू, थ्री बाय टू आप प्लस सी, ये वन बटे फोर लिखें जेड का मान आप पुट कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नाइन की ओर बढ़ते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ ये अपने हिसाब बनाइएगा, फोर एक्स प्लस टू अंडर रूट कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आप प्लस मेरे पास कितना है वन इंटू डी एक्स, आप क्या कीजिएगा इस चीज को पुट कर लीजिएगा आ जाएगा। और लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर दस, दस की ओर बढ़ते हैं तो देखिएगा ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, डी एक्स बटे एक्स माइनस रूट एक्स इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसमें क्या करते हैं डी एक्स बटे एक्स रूट एक्स है, हम लोग क्या करते हैं इसमें, तो हम बोले थे कि अगर जब भी कॉमन आता है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू तो रूट एक्स कॉमन लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा रूट एक्स गुना रूट एक्स, एक्स होगा माइनस वन। अब हम लोग को पुट करना है कि रूट एक्स माइनस वन इक्वल टू जेड, रूट एक्स का होता है डिफ्रेंसिएशन वन बटे टू रूट एक्स, वन का हो जाएगा जीरो कॉन्स्टेंट का, डी एक्स बराबर डी जेड तो हो जाएगा डी एक्स बटे रूट एक्स बराबर इधर गया क्या हुआ टू इंटू डी जेड, तो डी एक्स बटे रूट एक्स को क्या लिखेंगे टू डी जेड, इसको माने हैं जेड, ये खत्म, तो दो बाहर डी जेड बटे जेड को क्या लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ जेड प्लस सी इम्प्लाइज टू, लॉग मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा तो रूट एक्स माइनस वन प्लस सी। तो यहाँ तक हम लोग दस तक आज क्लियर किए और कोशिश रहेगी कि आप लोग जो है कंप्लीट दस तक और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से ध्यान से स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। लेक्चर वन में जो है हम 7.1 किए हैं, लेक्चर टू में दस तक किए और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका पूरा कंप्लीट 7.2 कर देंगे। तो आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं और एक न्यू इन्फॉर्मेशन देना था कि आप लोग का जो अब जो क्लास होगी एनसीईआरटी बेस्ड, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वॉल्यूम वन जो है दो या तीन क्लास के वॉल्यूम टू के बीच में हम एक वॉल्यूम वन को भी एंट्री कर दें, तो रिलेशन फंक्शन आपका पुनः शुरू हो रहा है। तो थैंक यू आप लोग के सपोर्ट के कारण, और अगर कहीं त्रुटि हो तो मोस्ट वेलकम है कि आप कुछ ना कुछ लिखिए जो कि हम उसका सॉल्यूशन करेंगे या उस त्रुटि को जो है हम लोग क्या करेंगे हटाया जाएगा। तो धन्यवाद वॉचिंग द वीडियो।